दिल्ली की जनता ने एक बार फिर से केजरीवाल पर भरोसा जताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 63 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई। वहीं इस बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 68 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। प्रचंड जीत हासिल करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के बीच आए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया, आप लोगों ने दिल्ली वालों ने तीसरी बार अपने बेटे पर भरोसा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने संदेश दिया कि वोट उसी को जो स्कूल बनाएगा, जो मोहल्ला क्लिनिक बनवाएगा, जो स्वास्थ्य पे ध्यान देगा। आपकी जीत के बाद दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए कहा कि दिल्ली वालों ने गजब कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये केवल दिल्ली नहीं बल्कि भारत माता की जीत है, ये नई तरह की राजनीति है। सभी दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा करता हूं। अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता के साथ कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इधर अरविंद केजरीवाल को बधाई दी और कहा कि वो दिल्ली की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। चुनाव में बीजेपी को मिली हार पर तिवारी ने कहा कि मेहनत करने पर रिजल्ट अनुकूल नहीं आता तो निराशा होती है। वहीं इस्तीफे के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि आगे देखेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुमत से सत्ता में वापस आई है। अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहद कमजोर दिखाई दिया। चुनाव में हार के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हार स्वीकार की। दिल्ली में पार्टी के प्रदर्शन पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, उनकी पार्टी दिल्ली के लोगों द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करती है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी को बधाई देते हुए नड्डा ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी को उम्मीद है कि आप सरकार राष्ट्रीय राजधानी के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को आभार जताते हुए कहा कि पार्टी की जीत के लिए उन्होंने दिन रात काम किया। चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की जनता ने बता दिया कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया। आपके खिलाफ बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी, फिर भी बीजेपी को हार नसीब हुई। उधर रुझानों पर ट्वीट करते हुए आपके रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दिल्ली की जनता को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारत की आत्मा की रक्षा में साथ देने के लिए दिल्ली की जनता का आभार। चुनाव प्रचार के दौरान लगातार शाहीन बाग पर धारदार बयानबाजी करने वाले बीजेपी सांसद सुरेश वर्मा ने चुनाव नतीजों के बाद हार को स्वीकार किया और कहा, हम नतीजों पर गौर करेंगे। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली वाले फ्री के प्रभाव में बह गए, हम 5 साल दिल्ली की जनता के मुद्दों को विपक्ष के रूप में उठाते रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिली जीत के बाद बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि हम दिल्ली में जनता को समझा नहीं पाए हैं, दिल्ली में बीजेपी को अभी बहुत काम करना है। इसके साथ ही गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल को जीत की बधाई दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करने वाली कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई देते हुए कहा कि वह जनादेश स्वीकार करती है और राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के नवनिर्माण का संकल्प लेती है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जनता ने अपना जनादेश दिया है, जनादेश कांग्रेस के खिलाफ भी दिया है और हम कांग्रेस और DPCC की तरफ से इस जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करते हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस इस बार भी खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने हार की जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेता हूं, हम इसकी वजहों की समीक्षा करेंगे। हमारे वोट प्रतिशत में गिरावट का कारण बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के द्वारा ध्रुवीकरण की राजनीति की गई। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में 9 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। बैठक में कैग से जुड़े 3 प्रस्ताव पास हुए हैं। साथ ही सोनभद्र में ओवर को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। अब सोनभद्र में 4 तहसीलें होंगी। बैठक में फिरोजाबाद के तत्कालीन तहसीलदार शिवदयाल पर कार्रवाई को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तहसीलदार ने नियम के खिलाफ 3 बीघा जमीन कुछ लोगों को दी थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने सुल्तानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हलियापुर के लोगों को संबोधित किया। संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में पूर्वांचल एक्सप्रेस की बड़ी भूमिका रहेगी। मुझे खुशी है कि सभी कार्य समय से पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार विकसित करने में भी इसकी बड़ी भूमिका होने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा लखनऊ में आयोजित महिला जागरूकता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए गए हैं, महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 12 फरवरी को आजमगढ़ जाएंगी। यहां प्रियंका गांधी CEE पर धरना कर रहे लोगों के साथ मुलाकात करने वाली हैं। प्रियंका गांधी के साथ बीती 27 जनवरी को लखनऊ में हुई बदसलूकी के मामले में NHRC ने यूपी के मुख्य सचिव और DGP को तलब किया है। इस मामले में NHRC ने 6 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। अयोध्या की 67.73 एकड़ जमीन पर भव्य राम मंदिर के साथ शहीद स्तंभ भी बनेगा, जिसके जरिए मंदिर निर्माण के लिए शहीद कार सेवकों को श्रद्धांजलि देने के साथ सदा के लिए उनका नाम मंदिर परिसर से जुड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने CEE के विरोध में शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के बाद घर लौटे माता पिता के बच्चे की मृत्यु के मामले पर संज्ञान लिया। वहीं इस मामले पर कुछ वकीलों की तरफ से आपत्ति जताई गई। कानपुर के चमनगंज इलाके के मोहम्मद अली पार्क में नागरिकता कानून का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा कथित रूप से जबरन हटाए जाने के बाद भी महिलाएं धरने पर बैठी हैं। सड़क पर प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने चमनगंज मार्ग को बंद किया। प्रयागराज में CEE के विरोध में मुस्लिम महिलाओं ने आजादी के नारे लगाए। ये महिलाएं पिछले 1 महीने से धरने पर बैठी हैं। प्रयागराज में मुस्लिम महिलाएं आज दिल्ली चुनाव के नतीजों से बेहद उत्साहित नजर आई। रोशनबाग इलाके में स्थित मंसूर पार्क में धरने पर बैठी इन महिलाओं का कहना है कि दिल्ली के नतीजे से साफ हो गया कि देश की जनता CEE और NRC के विरोध में है। उत्तराखंड में सड़क से लेकर अन्य निर्माण कार्यों में गड़बड़ी होने पर अब ठेकेदारों के साथ ही अफसरों से भी वसूली होगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि शासन ने अब यह तय कर दिया है कि नुकसान होने पर ठेकेदार सहित किस अफसर से कितनी भरपाई की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक को नुकसान की भरपाई अपनी जेब से करनी होगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर हरीश रावत ने आपत्ति जताई। हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत को जनता से माफी मांगने को कहा। त्रिवेंद्र रावत के राहुल गांधी के आरक्षण के वाले बयान पर पलटवार किया था। कानपुर में नगर निगम के अधिकारियों से नाराज होकर निर्दलीय पार्षद अपने पति के साथ टंकी पर चढ़ गई। इलाके में पेयजल, जलभराव और खस्ताहाल सड़क की समस्या की सुनवाई नहीं होने से पार्षद नाराज दिखी। बार बार शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद पार्षद ने यह कदम उठाया। उन्होंने निगम के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी बवाल मचा है। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सड़क से कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे उत्तराखंड जनरल OBC एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके कार्यालय में मुलाकात किया। उन्होंने कोर्ट के फैसले के आलोक में उनसे पदोन्नति पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। देहरादून में राज्यपाल शोध पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 5 रिसर्च स्कॉलर को सम्मानित किया। साथ ही अलग अलग क्षेत्र में शोध करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। 2015 से लगातार राज्यपाल शोध पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है। देहरादून नगर निगम के लगातार हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए मशक्कत कर रहा है। नगर निगम ने लोगों को टैक्स में समय सीमा से पहले टैक्स जमा करने पर 20% की छूट का भी प्रावधान रखा है। इसके चलते नगर निगम द्वारा जहां एक ओर एक ही दिन में एक मॉल से 5 करोड़ रुपये टैक्स वसूल किया, वहीं दूसरी ओर अब तक नगर निगम द्वारा 32 करोड़ रुपये टैक्स के जमा हो चुके हैं। इस पर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि इस बार नगर निगम का टैक्स वसूलने का टारगेट करीब 50 करोड़ रुपये है, जो जल्द ही पूरा होगा। मृत पुरुष के जवानों में जोश भरने के लिए ADG लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार की ओर से एक नई पहल की जा रही है, जिसके तहत प्रदेश के सभी थानों के भोजनालय में उत्तराखंडी व्यंजन परोसे जाएंगे। भोजनालय का
जो मेन्यू तय किया गया है उसमें उत्तराखंड के सभी डिशेस को रखा गया है। इसका उद्देश्य जवानों को पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के साथ ही उन्हें राज्य के पारंपरिक व्यंजनों की पहचान कराना भी है। उत्तराखंड में वन निगम ने अधिकारियों और कर्मियों की मांग पर अब वन विभाग को भी निगम की मदद करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अब वन निगम वनों की कटाई के मामले पर नुकसान होने की स्थिति में वन विभाग की मदद लेगा। प्रदेश में वन कटाई या छटाई की उन जगहों पर जहां नुकसान का अंदेशा है वहां वन विभाग द्वारा ये कदम उठाया जाएगा। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए इस पर अमल के आदेश दिए हैं। फतेहपुर में सेना में भर्ती के दौरान फर्जी कागजात दिखाने वाले एक शख्स को पकड़ा गया। वहीं आरोपी शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। दरअसल जिले में बीती 2 फरवरी को सेना भर्ती चल रही थी, इस दौरान अनुराग शर्मा नाम के शख्स को फर्जी कागजात के साथ पकड़ा गया। वहीं पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है, कार्रवाई की जा रही है। भदोही से बीजेपी के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने परिवार और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप राजनीतिक हैं। उनके खिलाफ एक साजिश के तहत ये आरोप लगाए गए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान एक महिला ने विधायक और उनके परिवार के 6 लोगों के ऊपर रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद महिला की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए। कुमाऊं की सबसे बड़ी हल्द्वानी जेल में जल्द कैदियों के लिए टेलीफोनिक सुविधा शुरू होने जा रही है। अप्रैल से शुरू होने वाली प्रिजल इनमेंट कॉलिंग सिस्टम के जरिए कैदी जेल से अपने परिजनों से बात कर पाएंगे। इसके अलावा हल्द्वानी जेल को सीसीटीवी युक्त और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया कि शासन द्वारा जेल रूल मैनुअल बनवाया गया है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि कैदियों के लिए टेलीफोनिक सेवा कब और कैसे दी जाएगी। इसके साथ ही हल्द्वानी जेल की सुरक्षा व्यापक रूप से चाक चौबंद हो, इसके लिए जेल में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद पूरे लखनऊ में चेकिंग अभियान चलाया गया। यहां के प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग की। पुलिस को हर रोज चेकिंग करने के आदेश दिए गए हैं। लखनऊ के बाल महिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ। अस्पताल में गर्भवती महिलाएं गंदगी में इलाज कराने को मजबूर हैं। अस्पताल में कई डॉक्टर्स गायब मिलते हैं, जिससे यहां आने वाले मरीजों को लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बांदा में लगातार हो रही गायों की मौत पर प्रशासन ने चुप्पी साधी है। बांदा चित्रकूट से सांसद आरके पटेल ने मामले में पल्ला झाड़ते हुए गीता का ज्ञान दे डाला। पटेल ने कहा कि मरना एक दिन मुझको भी है और इंसान भी मरता ही है। रुद्रपुर में आवास विकास कॉलोनी में यू टर्न लेते वक्त सिल्वर रंग की एक कार सीधे निकल रही दूसरी कार से जा भिड़ी। कार में बैठे व्यक्ति ने खुद की गलती के बावजूद दूसरी कार के मालिक से वसूली की। लड़ाई तब बढ़ गई जब लग्जरी सियाज चला रहे शख्स ने अपने दोस्तों को घटनास्थल पर बुलाया। नशे में धुत इन लोगों ने अपने परिवार के साथ सफर कर रहे कार चालक के साथ मारपीट की। हैरानी की बात यह कि इन रईस जादों को वहां खड़ी भीड़ पिटाई करने से रोक न सकी। काशीपुर में एक होमगार्ड ने गांव की लड़की के साथ छेड़छाड़ और उसे उठाने की धमकी दी है, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामले में जांच करते हुए आरोपी होमगार्ड संत वीरेंद्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बिहार में शराब की तस्करी करने वाले तस्कर रोज नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस बार वाणिज्य कर विभाग ने बिहार में ले जाई जा रही अवैध शराब की बहुत बड़ी खेप बरामद की है। शराब तस्कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन के बहाने लकड़ी के बड़े बॉक्स में शराब भरकर ले जाने की फिराक में थे। तस्करों ने एसबीआई बैंक का फर्जी कवरिंग लेटर भी अपने पास रखा। शक होने पर वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने जब बॉक्स खोलकर देखा तो खुलासा हुआ, पिकअप पर लदे लकड़ी के बॉक्स में 122 कार्टून शराब बरामद, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपये बताई जा रही है। सीतापुर में एक शख्स ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। मानवता की सारी हदें पार इसलिए कि मानव दरिंदे बने शख्स ने 3 साल की मासूम बच्ची को बिस्किट देने के बहाने बुलाया, फिर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया और मौत की घाट उतार दिया। आरोपी ने करतूत खुलने के डर से बच्चे के शव को अपने ही घर में बोरे में बांध कर छिपा दिया। मामले की जानकारी होने पर परिजनों ने आरोपी के घर से मासूम के शव को बरामद किया है। आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया।
हरदोई में चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चोरों ने सिनेमा चौराहे के पास बियर की दुकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की बियर चोरी कर ली। चोर करीब 200 पेटी बियर को वाहन में लोड कर निकल गए और चंद कदम की दूरी पर तैनात पुलिसकर्मियों को भनक तक नहीं लगी। फिरोजाबाद में सोमवार रात रेप पीड़िता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो अपनी नाबालिग बेटी से रेप के मामले की पैरवी कर रहा था। घर वालों ने भी रेप के आरोपी पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या की वारदात से परिजनों में पुलिस के प्रति खासा गुस्सा भी है। उनका कहना है कि पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद यह हत्या नहीं होती। आरोपी काफी दिनों से फरार है लेकिन उसे नहीं पकड़ा गया। फिरोजाबाद में सोमवार को रेप पीड़ित लड़की के पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। मामले में लापरवाही के चलते एएसएसपी ने दो थानों के इंस्पेक्टर और एक चौकी इंचार्ज को निलंबित किया है। मृतक के परिजनों ने थाने में शिकायत की थी और आरोपी लगातार उन्हें धमकी दे रहा है लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं। बता दें कि थाना उत्तर के तिलकनगर में शख्स की हत्या कर दी गई थी। मृतक ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया था जिसके चलते उसने हत्याकांड को अंजाम दे डाला। जालौन में कोर्ट ने बेटी के रेप के आरोपी कलयुगी पिता को 21 दिन के अंदर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी 12 साल की बेटी को हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता के दादा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी को जेल भेजा। रामनगर में अवैध खनन को लेकर प्रशासन और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खनन गेट पर छापेमारी की। प्रशासन की टीम को देखकर खनन माफिया में हड़कंप मचा। कई वाहन मालिक अपने वाहनों को छोड़कर फरार हो गए। प्रशासन ने मौके पर 3 ट्रैक्टर सहित 2 डंपर को सीज किया। कौशाम्बी के सैनी कोतवाली इलाके के त्रिलोकपुरी गांव के नजदीक नेशनल हाईवे पर 2 तेज रफ्तार कार कंटेनर में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक जो सभी लोग एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे इसी दौरान यह हादसा हुआ। आंचल दूध के सप्लाई टैंकर और यूपी रोडवेज बस में जोरदार भिड़ंत हुई जिसके चलते टैंकर चालक बुरी तरह से घायल हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है जिससे टैंकर चालक केबिन में फंस गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकलवाया। चालक को गंभीर हालत में हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बस के सभी यात्री सुरक्षित हैं। गोड्डा में बेखौफ बदमाशों ने राम जानकी मंदिर के अष्टधातु की 4 कीमती मूर्तियां चोरी की। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी लेकिन अभी तक अपराधियों का कोई पता नहीं चल पाया है। शहर में चोरी और लूट के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान बागपत पहुंचे जहां उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार पर कहा कि बीजेपी ने काफी मेहनत की लेकिन बीजेपी की हार हुई और जनता का जनादेश मानना होगा लेकिन कमी कहां रही इसके लिए मंथन किया जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर उत्तराखंड सरकार सतर्क दिखाई दे रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर नेपाल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सरकार सतर्क है। नेपाल से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की गई है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अब तक 43,098 लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि 1,018 लोगों की मौत हुई है। घातक वायरस से हो चुकी है मौत। कुल बीमार लोगों में से 40,171 संक्रमित लोग सिर्फ चीन में हैं जहां अब तक कुल 908 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे लेकर बेहद चिंतित है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि यह एक बड़ी भयावह बीमारी है जिसकी शुरुआत हुई है क्योंकि अभी हमें इस भयानक महामारी का खतरनाक रूप देखना बाकी है। पूरी दुनिया को इसके लिए सतर्क रहने की जरूरत है साथ ही अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए।